जैसे ये तूने शादी करके बचाया, शादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे हो गए हैं झगड़े। हेलो गाइस, मैं हूं बिलाल, मैं हूं ज़ाहिद और आप देख रहे हो आलतू फालतू। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है न्यू एक्साइटिंग व्लॉग में। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं पहले शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीशान भाई से शादी के बारे में। यस, तो जीशान भाई जैसे ही आएगा ना, वही जीशान भाई जैसे ही आएगा उससे क्वेश्चंस करेंगे कुछ। और गाइस, वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाले क्योंकि भाई को तो लड़की पसंद आ गई है के लिए रजा मंद कर ली भाई ने, एक लड़की पसंद नहीं करी है, कर ली है। मतलब गाइस, कॉपीराइट के वजह से हम लोग अच्छे से गाए नहीं, वरना कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से। तो चलो अभी जाते, हाँ चलो पहले मानी को लेके बाजार जाते। यस, बाजार का आज देखेंगे कितने टाइम बच जा रहे हैं अपन बाजार। काफी वक्त हो गया। अभी हम लोग निकल गए शॉपिंग करने। मम्मी, आपको क्या क्या लेने का बाजार से? हमें सब चीज लेना है। क्या क्या हम क्या बोल रहे हो, कल चाइनीज पुलाव बनाते क्या? उसका सामान ले लेंगे, उसका सामान ले लेंगे। गाइस, अगर उसकी आपको रेसिपी देखना है तो कमेंट करो, क्योंकि वो चाइनीज पुलाव सूप के साथ बहुत अच्छा लगता है। और बिलाल भी आ गया इधर। चलो चलो बिलाल, हम लोग सब जा रहे हैं ना, पूरा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे, ये बार करेंगे अच्छे से। बार्गेन कर लेना, ठीक है? तो गाइस, हम लोग आ गए पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज लेने, पैसा। Yes. उसके बिना तो होएगी नहीं शॉपिंग। पीटी खोल रहे थे, ले ले ले, दिखाना नहीं। मम्मी का खजाना मेरे पास है, मम्मी का खजाना मेरे पास है अभी। तो मैं अभी अकाउंट से निकाल के मम्मी को दूंगा, फिर वही हम लोग खर्चा करेंगे ना मम्मी। सही है, सही। बहुत लंबी लाइन है ब्रदर, क्या करते हैं? ऑनलाइन ही करते, लेकिन क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन आज सुबह से किया था एक दिन? नहीं किया था, नहीं किया था। चलो फिर आगे भी निकालना ही है ना, ठीक है। चलो हम लोग आ गए बाजार, और बाजार आके ऐसा लग रहा है क्यों आ गए, इतनी गर्दी है यहाँ पर कि पूछो मत। हाँ, कितनी गर्दी है ना। क्या डाल दे वे अपन भी दुकान। वही आज चुनने के लिए ना हम लोग ने हमारी एक घर की औरत को लेकर आए, तो वो अच्छे से चुन के निकाले। आप कितने ले रहे? 2 किलो आप भी ले रहे? 4 किलो चुनने का आपको। और आज टमाटर भी बहुत मस्त है, एकदम छोटे छोटे से चेरी टमाटर। इतना छोटे मस्त लग रहा है, बट छोटे छोटे से टमाटर बाजार में। ये तो ऐसा लग रहा है हीरे मोती बेच रहे हैं यहाँ पर, इतनी महंगाई हो गई। लास्ट टाइम आए थे कितना सस्ता था, अभी तो ऐसा लग रहा है कि हीरे मोती बेच रहे हैं, इतना महंगा। पूरा टाइम में दुकान ही डाल देते, अच्छी सबसे अच्छा चलेगा अपना बिजनेस। तो गाइस, हमारी शॉपिंग हो गई, और शॉपिंग तो बहुत भारी पड़ी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा महंगाई थी। हाँ एकदम दिमाग खराब हो गया, ऐसी महंगाई से अच्छा तो हम लोग क्या करना चाहिए, थोड़ा भूखे रह जाने। वही तो, इतना महंगा। हाँ मम्मी, सब चीज कितनी महंगी थी। आप यहाँ से कुछ ले रहे नहीं बच्चे के लिए? अभी बहुत सामान ले लिए मुमानी ने, भर भर के अब्दुल अजीज के लिए इतने सारे गिफ्ट लिए, और अभी और गिफ्ट लेंगे। मम्मी, एक मेरे को पसंद आ रहा है, वो लो ना, मैं भी खेलूंगा साथ में। अरे गन नहीं, गन नहीं, और कुछ नहीं ले। अरे ये बैंड का, हाँ ये अब्दुल अजीज वो देख के ना खुश होगा, ऐसा फोड़ेगा। चलो मैं ले रहा हूँ एक। हाँ ले रहा हूँ, चलो एक। इसी करके जाहिद ने ले लिया है। तेरे खेलने के दिन गए जाहिद। वाह 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 वाह। अच्छा, जिस बात का हम लोग को वेट था वो चीज आ चुकी है अभी हम लोग पूछने के लिए। भाई से पूछेंगे हम लोग वो चीज। शान भाई, तेरे को लड़की तो पसंद आ गई? तो पहले थी पसंद। हाँ। आ गई थी वो जब दिखाए थे ना, तभी मैं मम्मी लोगों को क्या बोला था मैंने। हाँ। जाना और सीता हाँ बोल देना, तो मम्मी लोग ने वही करके आ गए। आई वो फोटो देखा ना, ऐसे छदा कैसा करा, पसंद आ गई मेरे को मम्मी। वैसे तू जो बता रहा था पिछली वाली, वो भी तो पसंद ही थी। पिछली
उससे पिछले वाली भी तो पसंद थी वो तारा सुतारिया वो बता कि शादी के बाद तो सबसे बड़ा चेंज क्या सोच रहे थे शादी के बाद। हाँ मैंने ये नहीं बोला कि वही लड़की के साथ जो भी लड़की हो बोले देख तो उधर अरे देखिएगा उधर तू ना भी उधर है वो तू नीचे ही है वो नीचे ही बैठा हुआ है इधर आ इधर आ तेरी सोच तो बहुत आगे तक जा रही है पीछे ले क्या चल रही अरे तो मैं सिर्फ तेरे से क्वेश्चन पूछा नहीं अभी देख अभी मैंने कुछ नहीं सोचा हूं जब मेरी बात होगी वहां से हां होएगा जब उन लोग आएंगे जब बात होगी तब रिश्ता पक्का होगा उसके बाद सोचेंगे शादी को लेके कुछ प्लान ही नहीं किया पर अच्छी मेरे साथ सीन हो रहा है ना देख हम लोग अलग होते जा रहे अरे सोने के टाइम पे मम्मी पहले हम लोग तीनों साथ में सोते थे फिर अमन भाई अलग फिर अभी हम लोग दोनों साथ में सोते अभी ये अलग हो जाएगा अबे पहला उसकी होने तो दे अभी तक वहाँ से कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है पहले से ही पनोती लगा रहे क्या सोचो वीडियो सब डाल दिया हम लोगों ने मना कर दिया तब क्या हो गया मेरे भाई में कुछ कमी है क्या सबको अपनी चीज अच्छी लगती है भाई कोई और ही निकालते बाहर वाले आके मम्मी बोल रही है तो मतलब कुछ तो हो सकता है लड़की बन गया है क्या बात है अब्दुल अजीज हाँ 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 अपनी भाभी की मतलब भाभी का इंतजार कर रहे तू क्या बात है क्या बात है देख अब्दुल अजीज कितना क्यूट लग रहा है क्या स्लो मोशन में कैमरा ऐसा देखो ना ये सब जो हो रहा है उसमें ना खुशी में दो तीन लोग ना आगे मेरे को बोले वो सही में शादी कर ली क्या हो मत कर उसमें से चौथा मैं बोलता हूँ भाई तेरे को सही नहीं करने अमन भाई तो भी था उसमें से मैं नाम नहीं लूंगा मैं अमन भाई का नाम नहीं बोल रहा है कि शादी कर मैं थोड़ा टाइम अच्छा है सुकून है तेरे को बोला जितना जल्दी हो उतना कैमरे के सामने मम्मी बोल रहे थे कि मत कर शादी करने गए अभी पछताएगा ये हलवा सोच रहा है कि इसको जल्दी शादी करने गए सब हो जाएगा सब टेंशन नहीं है शादी करेगा ना उस दिन पछताएगा ना जिस दिन पता चलेगा इतनी जल्दी शादी ऐसा बोल रहे जैसे ये तूने शादी करके पछताया शादी अभी बच्चा है बच्चा साथ में वो सब ठीक है तू शादी करना शादी जब करना चाहिए तब अपने बल पे खड़े हो जाओ सब कुछ कर सको खुद का भी फैमिली वालों का भी तब करो शादी ऐसा नहीं कि खुद का भी पूरा नहीं कर पा रहे घर वालों का भी नहीं कर पा रहे और नया थर्ड पर्सन भी लेके आ गए उसमें होएगे मैटर एक्सपीरियंस बहुत सब आगे का दस कदम आगे का सोच के चलने का कुछ काम करो तो उसके 10 कदम आगे का सोच के चलने का क्योंकि आगे क्या होगा उसका लॉस बहुत सब सोच के चलने का इसको दे दो भाई अबे नहीं वो सीख दे रहा है वो तो बोल रहा नहीं है वो सीख दे रहा है अब इनको शादी करने मैं समझा रहा हूँ ये सब समझ के बोल रहा हूँ ये अभी बोल रहा है शादी के बाद कुछ नहीं मिलेगा प्लानिंग करके रखा हूँ प्लानिंग क्या है हर चीज के लिए ना ये चाहिए ये चालू है ये अभी मैं बता नहीं सकता ना बताया ये हमको बताएगा शादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस पे हो गए हैं झगड़े बोल दिया वो अभी बोल रहा है बात करना ही शादी सबको करना है सुन्नत अदा करना है बस ये है कि लोग सब एक एक हफ्ते वो चीज क्या लड़की आती है नसीब लेके आती है नसीब लेके आती है सब मालूम है नसीब आती है सब मालूम है लेकिन वो पहले से ही लड़का लड़की के बाद काम नहीं है शादी के बाद लड़की आ गई तो काम भी आ जाता है ओहो क्या बात है रुक जा अपने घर में कहा अपने घर में दिखाना आप दो लोग का देखा वो अल्लू का देखा वो नहीं देख सकता मैं मगर मैं अपना बता रहा हूँ जो हुआ वो अच्छा हुआ समझने वाला नसीब के ऊपर है वो तो
ये सब तो ठीक है, अच्छा है, मैं इस चीज से काफी दूर हूँ, मैं सच में काफी दूर हूँ। हाँ थैंक यू, यहाँ पे जी रहा हूँ। मुमानी एकदम सही बात बोलते है कि ना जल्दी शादी नहीं करना चाहिए, मतलब एक वक्त आ जाए तब करने चाहिए, और सेटल, वो हाँ लोग तो आज भी इतना सोचते कि सेटल नहीं है भाई, आगे कैसे लाए जाएगी, शादी के बाद अच्छे से सब हो पाएगा कि नहीं, आज भी सोचना पड़ता है वो चीज। और सबको लगता है ये चीज कि कितने सेटल्ड है लोग, सब कुछ कर लिए लेकिन आज भी सब कम ही लगे। हमको इस चीज से ये सीख मिलती है कि ना शादी बस अभी ख्याल मत लाओ, जब आएगा टाइम तभी ख्याल लाओ, नसीब में जब लिखा होगा दस लड़की मिल जाएगी और खुद अपना आप हो जाएगा, पहले एंजॉय करना चाहिए तो मैं बोलूंगा। हाँ अमन भाई, अमन भाई एकदम सही, अभी देखो नीचे जाने के लिए सोचता है, कौन बोला बीवी ने बीवी ने मना कर दी, तो बीवी पूछेगी कहाँ पे गए अभी तक, मेरा ऐसा शॉट नहीं है बल्लू, तेरा वहां जाता है, कभी कभी कैद देखना भी पड़ता, सब जगह देखना पड़ता है, फिर आती है तो नहीं आती तो अपन फ्रीडम घूमते कहीं भी। तो चलो गाइस अभी अमन भाई की खुशी के साथ यहीं पर ब्लॉग को एंड कर दे, टेंशन।